हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग आए हैं भाई बंगा पानी, और मेन रीज़न हमारा यहाँ आने का है गंदक ढूंढना। गंदक मतलब एक यहाँ पर एक फवारा नहीं, मतलब ज़मीन से निकलने वाला पानी है जहाँ पे गर्म पानी निकलता है, समझ लो हॉट स्प्रिंग जैसा समझ लो वही है। तो खैर अभी हम लोग अपना कैरेक्टर बना के बस बैठे हुए हैं गाड़ी में, और आगे को है बंगा पानी जो बाजार है वो है आगे को। सो आगे को चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर है वो। मेरे ठीक पीछे जो मार्केट है वो बंगा पानी की मार्केट है, और यहाँ पे थोड़ा पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि जो गर्म पानी का जो फव्वारा टाइप का निकलता है वो आगे सेरा है, सेरा करके एक जगह है वहाँ पर है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है बंगा पानी से, तो 5 किलोमीटर बस 5 किलोमीटर तो हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से सीधा चलते हैं आगे। आप लोग को यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ मैं, कैसी है रास्ते रोड, एक आइडिया हो जाएगा। ओके, ऐसी रोडों में भाई जितना साइड साइड हो सके उतना साइड साइड चलना चाहिए। जितना ज़्यादा आप पानी में जाओगे उतना ज़्यादा जो आपकी गाड़ी का टायर है वो डाइवर्ट होगा। पानी भाई इतना ठंडा है ना, ग्लेशियर का पानी, क्या बताऊँ मैं। नदी में आ गया हूँ ऐसा लग रहा है, बगल में देखो नदी है पूरी की पूरी। यहाँ पे अगर आप अभी स्लो कर देते तो एक तो चलता हुआ पानी है, ऊपर से अंदर बजरी, तो क्या होता ना टायर अंदर ही अटक जाते, और आप स्पीड देते टायर घूमते रहता और नीचे और अंदर घटते जाता। आप पहुंच गए भाई सेरा, ऑल्टीट्यूड 1157 मीटर, और हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पर है, हॉट वाटर स्प्रिंग। और वहाँ देखो यार क्या तगड़ा झरना है, पता है ये देखो बिल्कुल ग्राउंड में पड़ रहा है ये वाला झंडा झरना। वो झरना इस तरफ होता तो ज़रूर जाते यार, बट नदी के उस तरफ वाला झरना उस पार है तो वहाँ साइड जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, और यहाँ साइड कोई पुल भी नहीं है, उस तरफ घर भी नहीं है ना, इसलिए रास्ता नहीं है। मगर देख के बहुत अच्छा लग रहा है यार वाला झरना देखो। अब खैर हम लोग सेरा पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है ज़रा देखते हैं हम लोग। टिकट तो नहीं है कहीं, सब पता करना पड़ेगा यार कि उत्तराखंड टूरिज्म में सब लिखा हुआ है, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल। तो चलो एक बार चलते हैं फटाफट। ये देखो भाई, इसको इंसानों ने अबेंडन कर लिया था इस जगह को, बट देखो नेचर ने कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया है इसको। छत में घास, हर जगह घास, और वैसे यहाँ पे पूरा ग्राउंड टाइप का है ये, बड़ा अच्छा है यार एरिया दिखने का। सो अगर कभी कोई टाइम आएगा जब क्या कहते हैं कि इंसान विलुप्त हो जाए या फिर किसी जगह को अबेंडन कर दे, तो इसी प्रकार से जो नेचर है वो पूरा का पूरा उसको अपने अंदर समा लेगा। और इंसान इतनी ज़्यादा कहते हैं प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, उससे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। बट ये देख के अच्छा लगा कि अभी यहाँ हरियाली है, बहुत जगह हरियाली है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पॉल्यूशन है, सामने यहाँ पूरी हरियाली है। तो ये मेरे दिल को बड़ा सुकून दिया है इस चीज़ ने। बट हॉट स्प्रिंग ढूंढ रहे हैं हम तो, मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पर है। यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है, देखते हैं कोई आदमी दिखता है तो उससे पूछते हैं ज़रा। ये वाला घर मेरे को वैसे ही अच्छा लग रहा था, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे वो गया गंदक हॉट स्प्रिंग ढूंढने के लिए। वहाँ पे एक आंटी मिली घास काटती है, और उन्होंने बताया यहाँ से ही जो नीचे को रास्ता है वाला रास्ता है, इसी रास्ते में है। तो देख लो भाई, अगर आप लोग कभी भी आओगे ना तो ये रेड कलर का ये आपको दिख जाएगा, और सामने पर को बोर्ड है वाला जो मैंने इससे पहले दिखाया था ना गंदक क्या हॉट स्प्रिंग वाला वो, और ये झरना, इतना बड़ा झरना है। तो इन सारी चीज़ों को देख के आप पहचान सकते हो कि कहाँ पर है वो चीज़ अगर आओगे कभी तो। और यहाँ पर बहुत सारे खच्चर हैं क्योंकि यहाँ मैदान है ना, घास फूस बिल्कुल खाने वाली है, तो इसलिए खच्चर भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलो यहाँ से नीचे अभी हम पहुँचने वाले हैं गंदक में, पता है यहाँ पे ये देखो ग्रीन कलर का पानी है यार, गरम है पानी इस वजह से तो नहीं है। और नदी देखो क्या तेज़ बह रही है, और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, ये पता नहीं क्या क्या बना रखा है। कोई आदमी तो नहीं दिख रहा मेरे को, चलो पूछते हैं अगर कोई दिखेगा तो। पहुँच गए हैं भाई, और ये पत्थर के नीचे से निकल रहा है क्या पानी? हाँ, पत्थर के नीचे से कहीं से निकल रहा है, और एक ग्रीन कलर का पता नहीं क्या है, और बदबू आ रही है यार यहाँ पे, पता नहीं अजीब सी पता नहीं क्या बदबू आ रही है, और मे भी यही है शायद गंदक। पहले जहाँ तक मेरे को याद है ना, ये वाला एरिया थोड़ा नीचे तक था, नहाने के लिए था यहाँ पे। आजकल नया रास्ता बना रखा है ये वाला रास्ता, इस वजह से मे भी जो है नहाने का थोड़ा सीन शॉट ख़त्म हो गया उस तरफ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो नया घर बनाया ना वहाँ पर होगा। और बट ये पानी है गर्म है कि नहीं जरा चेक करते हैं, इसमें पैर डाल के चेक करते हैं हम। ओ भाई सच में यार बहुत गर्म है भाई, ये तो भाई बहुत गर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे तो उबाल के पानी, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है बट उबालने के बाद जो ठंडा करते हैं ना वाला पानी है मतलब इसमें, और नॉर्मल गर्म से बहुत ज़्यादा गर्म है। और यहाँ से जहाँ तक ये नदी में जाता होगा वो आगे वाले घर में चलते हैं एक बार, उस घर में क्या है वहाँ ज़रा पता करते हैं।
और ये देखो यहाँ ये इस पत्थरों के नीचे से आ रहा है, वो अंदर कहीं पर कुछ छेद वेद है, क्या हो सकता है? किसी को पता हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करना कि क्या रीज़न हो सकता है। ये देखो दोस्तों, ज़मीन के अंदर से आप बुलबुले उठते हुए देख सकते हो, ये गर्म पानी है अंदर से आ भी रहा है, और जो गर्म है ना उसकी गैस वाला जो गर्म होता है उसके बुलबुले उठ रहे हैं, बिल्कुल जैसा टीवी में दिखाते हैं ना वो गर्म पानी वाला। उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, जलने वाला गर्म नहीं है, बट बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये सामने घर है, और पता नहीं अजीब सी बदबू क्यों आ रही है यार, नाली टाइप की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो भाई, पूरी काई काई है यहाँ पे। आई वंडर, ओ देखो सामने, देखो वो सामने है यार असली, तो वहाँ पर वो सामने देखो टॉयलेट बनाया हुआ है, और ये पानी बहते हुए जा रहा है, और यहाँ पे ये नाली है, बिल्कुल नाली मतलब टाइप का है, चलने के लिए बना रखा है। बट यहाँ पे वहाँ सामने पर को मेरे को दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ताल टाइप की है कोई, वहाँ पर देखते हैं ज़रा, वो होगा मेन वाला। वहाँ जो मैं नीचे गया था वो तो शायद पूरा गंदा वाला था, तो वहाँ पर होगा ये रास्ता, मगर यहाँ से रास्ता नहीं है, कहीं दलदल तो नहीं है, इसमें दबूंगा यार कहीं अंदर, संभल के जाना पड़ेगा ब्रो। ओके ओके, स्ट्रॉन्ग वाले ज़मीन में ही पैर रख रहा हूँ मैं। बट यार ये सामने मेरे को दिख गया है हॉट स्प्रिंग, और ये जंप, कौन सी जगह दलदल है वो पता चल जाता है, देख के ही पता चल जाता है ना, जैसे ये देखो ये यहाँ पे ये पूरा ये दलदल है। और हाँ भाई, ये गर्म पानी ही है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, रुको इस तरफ से घूम के चलते हैं, यहाँ से जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, यहाँ से चलते हैं हम लोग। यार वैसे टूरिज्म के लिए, टूर करने के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, पता है, बट यहाँ पे बहुत जगह गर्म पानी है ना, तो ऐसा भी है कि गर्म पानी से जैसे आपको पता ही होगा मिट्टी में डालो तो थोड़ी अंदर घुसने वाली थुलथुली टाइप की मिट्टी हो जाती है ना, तो मे बी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गर्म पानी की वजह से अंदर को दब जाए वाला सीन हो सकता है यहाँ पे, तो कोई गाइड का होना ज़रूरी है जहाँ तक मुझे लगता है। बट अब देखो यार, आहा वाह, जगह जगह पर छोटे छोटे वो निकले हुए हैं, और मेन तो ये यहाँ पर है, क्या साफ़ पानी है, वाह। ये देखो भाई, इस याला पूरा एरिया है, और वो सामने पर वो बुलबुले उठ रहे हैं, जूम करके दिखाऊं क्या? ये देखो, ये अंदर से गर्म पानी पूरा निकल रहा है, और उसके साथ भाप वाप जो भी है निकल ली हैं, और ये हर जगह 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 पे कई सारे बुलबुले हैं। और देखो यार क्या बढ़िया एरिया लग रहा है, ये देखो पूरा इतना एरिया है। अब ये पानी कितना गर्म है ये मेरे को नहीं पता है, ये भी उतना ही गर्म होगा वैसे, यहाँ से बहते हुए नीचे को जा रहे हैं तो बहुत गर्म होगा। और ये क्या है यार, कुछ अजीब सा कंटेनर टाइप का कुछ है, और ये सोना तो नहीं है इसके अंदर कुछ चमक रहा है, मतलब पत्थर ना, पत्थर पता नहीं कैसे चमक रहे हैं, और अंदर पैरों के निशान है यार, ये शायद कोई पैरों के निशान है यार, ये मेरे को लग रहा है पत्थर पिघल रखे हैं यार गर्मी से ना, इतने टाइम की गर्मी से, हाँ वही होगा ये सीन, पूरे पत्थर पिघल रखे हैं। और ये जो ये एसिड है, एसिड जो गर्म पानी की वजह से एसिड उठ रहा होगा इसमें से, वो है ये सारी की सारी चीज़ें। और भाई साहब देखो यार क्या बढ़िया है ये एरिया, यहाँ से बुलबुले उठते हुए देख सकते हो आप, ये भी गर्म ही होगा, मैं इसमें पैर नहीं डालना चाह रहा, इतना बड़ा है, कहीं पैर मेरे को अंदर खींचेगा कहीं। सच अ नाइस प्लेस। चलो अभी यहाँ से वहाँ को चलते हैं, और कहीं दूर से उस पत्थर में चढ़ के एक बार मैं आपको पूरा दिखाता हूँ एरिया। ये हम लोग चढ़ गए हैं भाई पत्थर में, और मेरे को पता है जब मैं स्टार्टिंग में आया मुझे लगा उस पत्थर के नीचे जो छोटी सी नाली टाइप की है ना वही है गर्म पानी, बट वो तो असलियत में यहाँ से जो गर्म पानी जाता है वेस्ट वाला वो पानी था, मेन तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, जहाँ जगह जगह में स्प्रिंग्स हॉट स्प्रिंग्स जो होती है वो बनी हुई हैं। देखो सामने एक ये देखो, और एक यहाँ पर है, और इस याला एरिया तो आपने देखा ही है यार, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और वहाँ का पानी कुछ ज़्यादा ही साफ़ है, गर्म पानी है ना एक तो, इसलिए पूरा अंदर तक बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और उस जगह में भी, उस एरिया में भी थोड़ा बहुत कुछ है, मे बी वहाँ दलदल है कि पता नहीं क्या है, एक बार चलते हैं वहाँ, दलदल है कि मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है देखने की, ज़रा चेक करके आते हैं। दलदल नहीं है, हाँ ना 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 दलदल नहीं है, हाँ हाँ ठीक ठीक, मेरे को पता है क्या लग रहा है, ये जो एरिया इतना पूरा फ्लैट है ना, देखो कितना बढ़िया बिल्कुल प्लेन सा एरिया लग रहा है, तो ऐसा होगा ना कि जब पहले का टाइम होगा, पुराना टाइम होगा, तो इस पूरे एरिया में गर्म पानी होगा, क्योंकि देखो ये लग भी एक थोड़ा सा डीप पॉन्ड टाइप का रहा है, ऐसा लग रहा है कि तालाब टाइप का कुछ होगा यहाँ पे,
तो होगा ऐसा ही कुछ, बट अभी टाइम चलते चलते टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से मे भी ये पानी जो है वो कम हो गया है और बस वहाँ पे बिल्कुल कोने कोने में थोड़ा सा स्तर का रह गया है। बट पहले के टाइम पे मेरे को पूरा यकीन है कि यहाँ पे पूरा पानी होगा। तो ये चीज़ बताती है भाई, थोड़ा सा पॉल्यूशन कम करो, ठीक है, देश का थोड़ा अपने देश का क्या दुनिया का थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, क्योंकि यार ये देखो ऐसी ऐसी जो प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना वो ख़त्म होते जा रही हैं हमारी दुनिया की। बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी घासें, और यहाँ पे रेड कलर की ड्रैगन फ्लाई एक तो उड़ रही है, और कुछ कीड़े हैं यार यहाँ पे जो गर्म पानी में ही रहते हैं शायद। अब भी दिखा मेरे को यहाँ पे एक कीड़ा, और ये ड्रैगन फ्लाई दिख रही है क्या आपको, उड़ गई वहाँ पत्थर की तरफ। आई वॉज रियली थिंकिंग कि इतने गर्म पानी में क्या ही होगा कोई जीव, बट एक कुछ बीटल टाइप का जैसा गुबरेला नहीं होता है उस टाइप का कोई कीड़ा था। अभी मैंने अंदर को जाते हुए देखा दो तीन कीड़े थे मतलब, तो भाई ऐसे गर्म पानी में भी मतलब रहते हैं कीड़े, मैन दिस इज़ रियली ऑसम यू नो। और ये देखो पानी, इसमें पैड रख सकते हैं हम, गर्म पानी है कि ठंडा पानी है पता करने के लिए। ओके, और यस गर्म पानी है ये, इतना गर्म पानी है ना कि इसमें मैं आराम से नहा सकता हूँ, वो भी ठंडियों में बर्फ़ के टाइम पे, तो समझ लो कितना प्यारा गर्म पानी है ये। और ये देखो बिल्कुल तालाब टाइप का, किसी राजा महाराजा के घर में आ गए हैं, किसी राजा महाराजा ने आर्टिफिशियल पूल बनाया हुआ है ऐसा लग रहा है, और यहाँ से पूरा कनेक्ट होता है आगे तक। चलो भाई बहुत अच्छी जगह है ये, अब घर को भी जाते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, ज़्यादा देर भी नहीं रुकना हुआ यहाँ पर। यार अगर मैं किसी के साथ आया होता या कुछ आया होता तो पता कर लेते, नहा लेते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मेरे को लग रहा था, बट अभी वैसा कुछ नहीं है, अकेला ही हूँ भाई, कहीं मैं जाऊँगा पैर अंदर अटक गया तो फिर हो जाएगा ख़त्म, तो इसलिए अभी नहीं जाता हूँ, खैर कभी और जाएंगे। और एक ऊपर जाता हूँ वहाँ से एक बार आखिरी बार आपको सब कुछ दिखा दूँगा पूरा का पूरा, आखिर कैसा दिखता है ये पूरा का पूरा एरिया। तो चलो यहाँ से ऊपर चलते हैं। हाँ ये देखो भाई पूरा एरिया, और एक घर वर टॉयलेट करने के लिए टॉयलेट तो बनाया है, और यहाँ पे पता नहीं ताला लगा हुआ कुछ होगा इसके अंदर भी, कपड़े अपड़े चेंज करने वाला। वैसे यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी, तो मतलब लोग आते ही होंगे इसीलिए बनाया होगा, और ऊपर उत्तराखंड टूरिज्म भी लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं यार उत्तराखंड में ना जो हम लोगों ने नहीं देखी है, एक्सप्लोर नहीं करी है, और हमारी एक ही तो लाइफ है यार, हैं बिन देखे मर गए तो क्या फ़ायदा। तो मेरा तो पूरा सपना है भाई पूरी दुनिया में घूमने का, जानते ही हो है? मैं अभी मतलब खैर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बस पढ़ाई वढ़ाई करते हैं फिर देखते हैं ज़रा, पहले अपने पिथौरागढ़ में सब जगह घूमूंगा, फिर उत्तराखंड में, फिर पूरे इंडिया में हर जगह घूमूंगा, फिर उसके बाद आएगी कंट्रीज़ की बारी, उसके लिए पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, बन जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। बट ये सपना है मेरा, इसको ज़रूर पूरा करेंगे हम। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ को, इस जगह को बाय बाय करते हैं, तो अभी चलते हैं फिर ऊपर की तरफ को। अब यहाँ से हमको जाना है मुनस्यारी की तरफ, ठीक है, और भाई बहुत सारा मज़ा आने वाला है इस वीडियो आगे की वीडियोस में मेरी, उनको ज़रूर देखना आप लोग। और अभी एक झरना भी आएगा जो पेड़ में जो रोड में गिरता है बिल्कुल मुनस्यारी जाते हुए, तो हर एक चीज़ देखेंगे हम लोग। तो साथ में रहना, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, और अगर नहीं करा है तो कर लो, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर करना सब्सक्राइब करने को बोलना, दिखाना सबको कि भाई ये देखो उत्तराखंड की ब्यूटी है ये, और ऐसे ऐसी जगह में हम, ऐसी देवभूमि ऐसी जगह में हम रहते हैं। तो भाई बाहर वाले जितने भी है ना तुम्हारे दोस्त, तुम सबको शेयर करो और सबको दिखाओ कि भाई ये देखो ये है हमारा उत्तराखंड। और वैसे ये ग्राउंड है देखो, यहाँ पे फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल मेरे को दिखाई दे रहा है, झरना यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट मी डू जूम ऑन झरना, ये देखो भाई। और आ कहाँ से रहा है ये, यहाँ ऊपर से आ रहा है, और काफ़ी तेज़ पानी आ रहा है, कुछ होगा ऊपर पक्का, ग्लेशियर या कुछ होगा जहाँ से पानी आ रहा है इतना। ये वाली वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद वीडियो जो आएंगी बहुत अच्छी आएंगी, तो देखना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड गुड बाय।